भी ना नहीं है, दूसरे दोनों लेबर के साथ देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपके हाइड्रोलिक पंप में या लिफ्ट पंप में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, आप पंप नया लगवाते हैं और बार बार ख़राब हो जाता है, आपके पास चाहे लोड का कितना भी काम हो, आपको बार बार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने घर पर ही ट्रैक्टर का पंप खोल सकते हैं और इसको और मात्र 500 से 700 रुपए के खर्च में आप 5 साल तक की गारंटी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आउटलेट का ये बोल्ट होता है वो 24 ताई की चाबी से खुलता है, 27 नंबर का होता है। दो बोल्ट लगे होते हैं 12 नंबर के, तो 12 नंबर के बोल्ट नीचे लगे होते हैं जो पंप के, तो इनको खोल लेते हैं जी। तो दोस्तों हाइड्रोलिक पंप की प्रॉब्लम के बहुत से कारण हो सकते हैं, पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हाइड्रोलिक जो ये पंप फेलियर होता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसकी वजह से होता है, ऐसे कभी भी ट्रैक्टर का पंप ख़राब नहीं होता। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी ये बार बार बता चुका हूँ कि जब कभी भी आपका पंप ख़राब होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से ख़राब होता है दोस्तों। और ज़िम्मेदार भाई, इसकी रिपेयर सिर्फ 500 से 700 रुपये होती है, लेकिन ज़िम्मेदार भाई मिस्त्रियों के पास चले जाते हैं और इसको नया ही लगवा लेते हैं। ये देखो अब यहाँ 4 बोल्ट लगे होते हैं जी, ये 10 नंबर के, इस 10 नंबर के बोल्ट को 10 नंबर की चाबी से भी खोला जा सकता है। और ये मैंने जैसे कि बड़ी गोटी राड ली है, इसके साथ मैं खोल रहा हूँ, ये देखो चाबी के साथ भी खोला जा सकता है इसको। तो सिर्फ 4 छोटे छोटे 10 नंबर के बोल्ट हैं, इनको बड़े आसानी से खोला जा सकता है। इसमें सबसे पीछे एक बोल्ट लगता है जो खोलने में परेशानी होती है, क्योंकि उसके लिए क्रॉस और 10 नंबर की गोटी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखो, तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि जो ये अपना पंप होता है ये ख़राब होता है या कुछ भी इसमें प्रॉब्लम होती है तो इसकी रिपेयर की जा सकती है, इसको बदलवाने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो मिस्त्री लोग होते हैं उनकी मैं कहूँगा कि अनपढ़ता के कारण, उनके नॉलेज के कम होने के कारण वो किसान भाई का नुकसान करा देते हैं, 4 से 5 हज़ार रुपये का नया पंप लगवा देते हैं, जबकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिल्ले डलती हैं या फिर इसके जो सिल्ले, अगर इसमें सिल्ले नहीं डली तो इसका अंदर का थोड़ा बहुत घिसाई वगैरह का काम हो सकता है। ये देखो ये क्रॉस होता है जो वो चौथे नंबर का नीचे का बोल्ट खोलने के लिए यूज किया जाता है जी। ये देखो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब ट्रैक्टर अपना हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होता है उसको उठानी बंद करता है, या फिर ट्रिपिंग ट्रॉली का जैक होता है उसको आध तक उठाता है या आध के बाद पूरी रेस देने के बाद भी, पूरा आरपीएम देने के बाद भी नहीं उठा पाता है, तो हम समझ लेते हैं कि पंप में समस्या आ गई है, पंप ख़त्म हो चुका है। और हम मिस्त्री के पास जाते हैं और मिस्त्री क्या करते हैं, पंप को खोलते हैं और उसको ऐसे घुमा के देखने लग जाते हैं हाथ के साथ, तो जबकि ये थ्योरी बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हाथ के साथ घुमाने से कभी भी पंप की एक्यूरेसी का पता नहीं चल पाता। तो मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया है, अगर आप ट्रैक्टर पर लगे ही अपने पंप की ग्रेविटी चेक कराना चाहते हैं तो वो मशीन से आप ट्रैक्टर पर लगे लगे भी टेस्ट करा सकते हैं, या फिर इसको पंप को खोल के ले जाओ मैकेनिक के पास और वो सिल्ले डाल देगा इसमें और बता देगा, वो हालत देख के ही बता देगा इसकी अंदर से खोल के कि ये आपका पंप ख़राब है या ट्रैक्टर में कोई और प्रॉब्लम है। दोस्तों हर बार पंप की ही प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कोई प्रॉब्लम और भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी फेलियर हो सकता है, लिफ्ट ना उठाने का कारण सिर्फ पंप नहीं होता, ये बात आप जान लीजिए। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर, फिल्टर और भी बहुत से पाइप की जो इनलेट की लाइन होती है उसमें एयर की समस्या हो सकती है, तो बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं, ये सिर्फ पंप का फेलियर का कारण नहीं होता। और हम जाते हैं और पंप नया लगवा लेते हैं जिससे बाद में फिर से परेशानी आती है। तो किसान भाइयों, अब ये जैसे कि नीचे का बोल्ट खुल चुका है तो अब इसको आराम से निकाल लेते हैं, ये बड़े आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये देखिए ये निकल जाएगा, इसको थोड़ा सा हिला लें तो, क्योंकि ये सप्लाइनें अंदर दूसरी सप्लाइनों के अंदर घुसी होती हैं, ये मेल सप्लाइनें फीमेल के अंदर घुसी होती हैं, तो ये देखिए
पंप जो जहाँ से खुलेगा वहीं पर लगेगा, अदर कहीं जगह पर फिट ही नहीं बैठेगा, इस बात के लिए बेफिक्र हो जाएं। और किसान भाई इसलिए भी इसको नहीं खोल पाते कि हम जब इसको लगाएंगे वापसी टाइम तो इसमें तेल डालेंगे या सुक्का लगाएं, इसको क्या प्रोसीजर है, ग्रीस डालें इसमें, इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखो सप्लेने पर थोड़ा बहुत कचरा वैसे आ जाता है, ये कार्बन टाइप सा कुछ, बाकी ये देखो। तो देखियो भाइयों अब हमारा पंप खुल चुका है बिल्कुल ही। तो अब इसको ऐसी गलती आप ना करें कि इसको ऐसे हाथ के साथ घुमा के देखने लग जाएं कि ओ हो ये तो ख़त्म हो चुका है, ऐसे ये कभी भी नहीं देखा जा सकता। नया पंप ले लो आप, उसमें भी ये प्रॉब्लम मिलेगी आपको, वो भी हाथ से ऐसे ही घूम जाएगा क्योंकि उसमें तेल नहीं होता और कंपनी फिटेड सीलें बड़ी नरम होती हैं। तो ये देख लो अब इसकी कोई साफ़ सफाई आपने थोड़ी बहुत करनी है वो कर लेते हैं, और अगर नहीं भी अगर खुल गया है तो कर लेने में ही फ़ायदा होता है, आपने जो ट्रैक्टर है उसकी लाइफ बढ़ती है। तो साफ़ सफाई करने के बाद इसको हम इसको पंप को ले जाएंगे अपना मैकेनिक के पास, मैकेनिक के पास लेके इसकी रिपेयर करने के बाद इसको दोबारा से लगाएंगे। मेरा मोटिव दोस्तों आपको ये बताना था कि आप अपने घर पर ही ट्रैक्टर का पंप बिना मिस्त्री के पास गए, वहाँ 500-400 रुपए का तेल ट्रैक्टर ले खर्च कर देता है जाते जाते आने जाने में, और फिर उससे आगे मिस्त्री की लेबर भी होती है। दोस्तों आज की जो ये टेक्नोलॉजी है स्वराज 855-735 या कोई भी ट्रैक्टर लगा लो, आज की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही नायाब है। आप इसको घर पर ही बड़े आराम से कोई भी पार ट्रैक्टर का खोल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण खोलते नहीं हैं इसकी बड़ी। तो दोस्तों पंप को खोलने के बाद आप किसी अच्छे अपने नियरेस्ट जो भी बढ़िया हाइड्रोलिक पंप रिपेयर होते करने वाले होते हैं उनसे करवाने के बाद अपना इसको लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद ही लगा सकते हैं। इसमें कोई तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई ग्रीस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब स्टार्ट करते हैं तो ट्रैक्टर अपने आप खुद ही उसको सक्शन कर लेता है, खींच लेता है। बाकी मैं सुपर हाइड्रोलिक ये सुपर मैकेनिक वर्कर्स है यमुनानगर में, मैं इनसे करवाता हूँ, एक नंबर काम करते हैं और गारंटी देते हैं कम से कम 5-10 साल इस प्रकार से। तो दोस्तों आप पंप का 500-700 रुपये का खर्चा करके इसकी आप गारंटी भी प्राप्त कर सकते हैं, ये बात नहीं है कि आपने काम करवा लिया उसकी कोई गारंटी नहीं है। जो बढ़िया मैकेनिक है वो आपको गारंटी देगा कि आपके पास 5 साल कहीं नहीं जाएगा। तो इस बात से बेचिंत हो जाइए कि नया पंप ही आपका काम करेगा, पुराना पंप काम नहीं करेगा। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप इसको घर पे ही खोल सकते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। नट बोल्ट देख के घबराएं नहीं, बस इसको इरादा करें और ये जो टूल्स हैं, ये जो रॉड गोटी है और क्रॉस है, 10 नंबर की गोटी की ज़रूरत पड़ेगी और एक 24-27 की चाबी की, और किसी भी इसमें टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दोस्तों जो पीछे का पंप है, जो ट्रैक्टर के ड्राइवर सीट की तरफ का पंप है, ये होता है हाइड्रोलिक पीछे लिफ्ट पंप के लिए, और जो आगे वाला होता है वो होता है अपना पावर स्टेयरिंग के लिए। पावर स्टेयरिंग वाला पंप अक्सर ख़राब नहीं होता, पर लेकिन जब कभी भी ख़राब होता है वो सप्लेनों की वजह से होता है। इसकी जो अंदर की सप्लेनें होती हैं वो कट जाती हैं, उसकी वजह से ख़राब हो सकता है। तो अब इसको पूरी तरह से टाइट करने के बाद इसको आगे की कार्यविधि बताते हैं आपको। ये देखो जी मैंने इसको पूरे तरीके से टाइट कर दिया है, 12 ये 10 नंबर के बोल्ट हैं, इनको बढ़िया तरीके से टाइट कर देते हैं। ये देखो जी कोई समस्या नहीं है इसमें दोस्तों, ये 10 नंबर के बोल्ट टाइट करने के बाद ये जो बड़ा आउटलेट का बोल्ट है इसको 27 नंबर की चाबी के साथ टाइट कर देना है जी। ये देखो जी इस प्रकार से, उसके बाद इनलेट के 12 नंबर के जो बोल्ट होते हैं उनको टाइट करना है। किसान भाइयों आप सिर्फ स्वराज का ही नहीं, सोनालिका, जॉन डियर या फार्म ट्रैक, इंडो फार्म, कोई भी आपके पास ट्रैक्टर है उसका किसी का भी आप पंप अपने आप ही खोल सकते हैं। और दोस्तों अगर आप किसी और भी ट्रैक्टर के किसी भी पार्ट के बारे में खोलने और उसको बंद करने के बारे में कोई भी आप मेरे से चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर वो पार्ट खोल के रखूँगा। तो आइए अब ट्रैक्टर को स्टार्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे
तो कई बार तो इसमें एयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और देखो अब मैं उठा रहा हूँ, ये उठ नहीं रही है लिफ्ट, दोनों लीवर के साथ उठा के देखेंगे, दोनों लीवर के साथ उठाते हैं, ये देखेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और आप ट्रैक्टर देख रहे होंगे स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें एयर की समस्या हो जाती है दोस्तों, तो इसमें घबरा करने की कोशिश। ये देखो जी, अब मैंने इसकी एयर निकाल दी है, एयर निकलेगी तो तेल भी निकलेगा थोड़ा बहुत, 400 ml तेल निकलेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। तो अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ तेल, अब देखो इसको पूरा टाइट कर देना है, अब एक बार हवा निकलेगी उसके बाद कोई परेशानी नहीं है। ये देखो जी, आप दोस्तों आप बिल्कुल अपने घर पर इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी ट्रैक्टर के पार्ट की नॉलेज लेना चाहते हैं खोलने बैठने के बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और उसके ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूंगा दोस्तों। ये देखो जी, लोड में भी मैं अपना वेट डाल के चेक कर दिया इसको, ये देखो जी बिल्कुल आपका ट्रैक्टर प्रॉपर काम कर रहा है, इसको कोई परेशानी नहीं है। और इसकी अभी 5 से 7 साल की गारंटी है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक वीडियो देख लिया तो मुझे ज़रूर बताएं कि आप कौन से ट्रैक्टर की किस पार्ट की वीडियो देखना चाहते हैं। आपका धन्यवाद।